Assalamualaikum, welcome back to my channel one time again. So finally मेरे चैनल का पहला व्लॉग है which is going to be very exciting. So today we are going to try Tim Hortons in Pakistan for the first time. Let's see कि यहाँ का Tim Hortons कैसे है. अब मैंने वैसे तो Tim Hortons नहीं try किया हुआ but मेरी cousin है जो मेरे साथ ही है उसने Tim Hortons try किया हुआ. So we will also see कि Tim Hortons का taste दूसरे countries से same है या क्या है और देखते हैं इनकी prices कैसी हैं, क्या इनकी coffees या products जो हैं donuts and everything वो Gloria Jean's या McDonald's से ज़्यादा better हैं या नहीं है, prices देखेंगे and everything. So लेट्स सी कि किस टाइप का होता है. आई एम सुपर एक्साइटेड. यू गाइस नो मी कि मैं कितना फूड लवर हूँ. आज के चैनल में हमारी कजन ने भी ज्वाइन किया वेरी स्पेशल गेस्ट इमामा मुर्तजा. से हाय इमामा मुर्तजा. से हाय मामा. हाय कहना. सो शी इज़ माई कजन. और एक और भी यहाँ पे कजन है वो एक्चुअली अभी दुल्हन बनी है तो वो अपनी शक्ल दिखाना पसंद नहीं कर रहे. क्या नेक्स्ट व्लॉग में उनसे हम मिलेंगे जरूर. बट ये तीन कजन मेरे मतलब बिल्कुल यू नो क्राइम पार्टनर्स और किनसे जब भी बाहर जाने इन्हीं के साथ जाने. इनके अलावा मैं उनके किसी के साथ बाहर नहीं जाता मोस्टली टाइम. तीन बन जाते हैं मामा. हम तीन वैसे दो. हाँ तीन बन तीन बन जाते हैं मतलब तेरे कजन दो. इतनी मतलब कॉमन सेंस इमामा होनी चाहिए इंसान में. तीन बनते हैं इमामा. तीन बनते. अभी मैंने सब्सक्राइबर्स को भी अपने नहीं बताया इस सर के मसले का. सो प्लीज इसको चैन मारो नहीं बेहोश हो जाता है इमाम. अरे अपनी फिक्र करो छोड़ो ये सब. सो प्लीज तमीज में यहाँ पे ये सब नहीं ठीक है. बी सेंसिबल यू नो. तो अभी हम जा रहे हैं Tim Hortons. मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ से बैक कैम कैसे होगा. तो अभी हम जा रहे हैं Tim Hortons. देख सकते हो फेज 6 में बेसिकली है ये Tim Hortons की जो ब्रांच बनी है. बेसिकली आई थिंक 2 ब्रांचेस बनी है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एक गुलबर्ग में मैंने देखी 3 बनी है. अच्छा बट अभी एक ही ओपन हुई है बाकी दो भी ओपन हुई. क्यों यही ओपन हुई है. हाँ ये देख लो ये 24 घंटे ये दोनों बाहर घूमते रहते तो इनको कैसे नहीं पता होगा कि एक ब्रांच 18 को खोल रही है एक ब्रांच 20 को खोल रही है. बट चलो अच्छी बात है हमारे क्लोज तो सबसे ज़्यादा यही थी. ये देख सकते हैं यहाँ पे बैनर्स वगैरह भी लगे हुए तो बैनर्स तो नहीं कहेंगे इनको जो भी है एडवर्टाइजमेंट हो रही है. तो तुम दोनों मेरे पे हंसो तो ना. एटलीस्ट मेरा पहला व्लॉग है. एटलीस्ट डोंट जज मी लाइक दैट ठीक है. तो देखते हैं अभी फेज 6 हमारे पास सबसे ज़्यादा क्लोज ही था तो देखते हैं कि किस टाइप का टेस्ट है. ऐसे पहले मेरा पहला व्लॉग है तो प्लीज मुझे कोई जज ना करे बिकॉज आई नो जो लोग देख रहे होते हैं उनको ज्यादा एक्सपीरियंस होता है एक सेंस में यू नो कि व्लॉग किस टाइप का होना चाहिए. तो मेरा पहला व्लॉग है डोंट जज मी लाइक दैट. व्लॉग तो तुम्हें नहीं पता कि किस टाइप का व्लॉग होना चाहिए. ऐसे किसी ने पूछा नहीं था आपसे. मैं अपनी ऑडियंस से बात कर रहा था ठीक है. अब यहाँ से लोग देख सकते हैं आप लोग इनकी दुल्हन की शक्ल तो हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे बिकॉज एक्चुअली हम सोए नहीं है और ये भी सारे ना एक्चुअली अभी टाइम क्या हो रहा है 7:50 का टाइम हो रहा है तो कोई भी नहीं सोया तो भी सारे वो नींद में एक सेंस में ना तो दैट्स व्हाई तो इनकी जरा मांतरन संतरन हिलाव है. वैसे मुझे कहीं ना थोड़ी सी ना यू नो एक गट फीलिंग होती है ना कि इस वीडियो पे मेरे बाकी वीडियो से थोड़े ज्यादा व्यूज आएंगे. बट लेट्स सी आप लोगों ने प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर. वो सारा कमाल मेरा ही है ठीक है. तुम लोग तो एंटरटेन कर नहीं रहे ठीक है. मैं बेशक शक्ल नहीं दिखा रहा पर एंटरटेन जो है ना मैंने ऑडियंस को काफी किया है. बेशक उनसे पूछ लेना एंटरटेन किसने किया. ये क्या बात करता है यार. तुम तो रहने ही दो ठीक है. इसने तो फिर अपनी शक्ल दिखाई और तुमने तो एक झक मारी है ना आगे वहां पीछे से. मैंने तो शक्ल दिखाई है ना. तुम तो झक मारी है. मैंने मुंह नहीं धोया ठीक है. मैं ऐसी गंदे कपड़ों में आ गया नहीं मेरा दिल आने को. अब इसमें हम नहीं अब इसमें हमारी क्या गलती. तो आपने मुंह नहीं धोया अब हम तैयार हो क्या. मैं सोया तरले करके लेके आए तुम लोग. लेके वैसे मैंने ऑडियो ने पूछा ठीक है ब्लॉग फन है कि नहीं ठीक है. हाँ ये इस एक काम करते हैं हम क्या रहे. मैं अपनी नींद कुर्बान करके आया हूँ. अच्छा तो हमने नहीं की अपनी नींद कुर्बान. अच्छा तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं. अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ से आगे से नजर आ रहा है ये आ गया हम KFC. यार ये क्या किया तुमने मेरा ठीक से शॉट ही नहीं लेने दिया. तुमने मुझे KFC दिखा दिया. हद होगी कोई बदतमीजी की. अच्छा ये देखिए हाँ फर्स्ट कस्टमर से हम ले रहे. हाँ वैसे भी तो कोई भी नहीं आया. ये ना बंद ही ना हो. वैसे नहीं लोग खड़े भी हुए वहाँ पे वेट कर रहे हैं कुछ ना कुछ. इंस्टाग्राम में मैसेज करके पूछे उनसे क्यों बुलाया. वेट कर रहे हैं ये सारे वेट कर रहे हैं. वो वेट कर सकते होंगे हम इतनी दूर से आए हैं 8 बजे तक यहाँ पे वेट करते हैं. इन्होंने हमें 8 बजे की टाइमिंग दी थी बेसिकली और अब बगैर क्या लगा रहे हैं.
रुको जरा, सबर करो, हमें स्पेशल इनवाइट करके हमें इन्होंने 8 बजे बताया है कि 8 बजे ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे इन्होंने जब सिक्योरिटी गार्ड कह रहे कि अब 9 बजे ओपन होगा, तो बताए हम यहाँ पे 1 घंटा बैठ के क्या करें। अच्छा तुम लोग अपना बंद कर सकते हो, थोड़ी स्टैटिक वीडियोस बनानी है, ठीक है, अपने अकाउंट के लिए। दुल्हन ना जरा यू नो ओवर हुई है। अब सब जानते हैं टिम हॉटसन फेज 6 में ओपन हो गया है। अच्छा हमको सिखा रिया है। ये हम सबको पता है। टिम हॉटसन लाहौर में ओपन हो गया है। लाइक जैसे तो मैं नहीं बता रहा आदमी, मैंने बताया था, भूल गया, मैसेज देखे ओफला, जैसे हम सोशल मीडिया में है ही नहीं, तो मतलब टाइमिंग भी नहीं पता थी, ठीक है, छोटी बच्ची हो क्या, टाइमिंग ही मामा ने बताई थी, क्रेडिट गोस टू हर, मैंने बताया था 9 बजे खुलने, तुमने 2 बजे बोला था, 9 बजे बताया था, इससे मुझे 2 बजे 2 बजे तो मैंने कहा था कि उनकी ऑफर लगी है जो इन्होंने अपनी नेट के ऊपर लिखा हुआ था पोस्ट के ऊपर। मैं दिन में 2 से 3 चक्कर टिम हॉटसन के लगा सकता हूँ, ठीक है ना, और अगर मुझे ठीक है ये ना मिला ना, ठीक है उनकी खैर नहीं, उसके बाद हम भी आ जाए करेंगे, हमारे लिए कौन सा मुश्किल, अगर ये हमें लेके नहीं जाएगा तो क्यों भाई, मुश्किल है इसलिए तुम्हें तरले करे मुझे लेके आयो, हाय अल्लाह तरले तरले यार, एक ये भी दिखा, अच्छा भैया सोना ना ये दिखाओ ना। मैंने वैसे बोल दिया कि भैया ना सोना, अब इसमें मैंने क्या गलत कह दी, क्योंकि छोटा ये मासूम बच्चे वाला, ठीक है, इमोजी आंखों वाला, ये दिखाने दो, अच्छा, ना हो गया, हो गया, अच्छा मान लेते हैं हम कि हमने आपकी मिनते की, लेकिन तरले तो नहीं कोई भी करता, एक ही बात है, मिनते तरले में क्या फर्क है, मिनते तरले थोड़े से औलाद मत करो बदतमीजी, ये पीछे एक पंजाबी मास्टर भी आई हुई है, हाँ ये देखे जरा इनकी शक्ल गौर से, गौर से, ठीक है, अच्छा हो गए, अच्छा हो गए मामा, साइड पे हो जाए। पता नहीं दुल्हन ने कौन सा मौन व्रत रख लिया कि उसने अपनी शक्ल दिखाने से मना कर दिया। मैंने एक एग्जांपल दिया, एक मैं सोए मुंह के साथ आया हूं, तो मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहता, ठीक है, तुम्हारी तरह मैंने 1 घंटा नहाने में लगा यार, मैंने 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 व्लॉग, ये देखो बाल देखो, ठीक है, कितना भी गीले है, जब इन लोगों के साथ होता तो मैं एक मेरी पर्सनैलिटी ही डिफरेंट होती है, मतलब मैं इतना, मतलब इनके साथ एक फीलिंग ही डिफरेंट होती है, बिल्कुल ऐसे लगता है, मेरी बात कंप्लीट करने दो, पहले बीच में शुरू हो जाते हैं, बीच में कोई मतलब एटिकेट्स होते हैं, मैनर्स होते हैं, इनके साथ मैं जब भी होता ना तो मतलब मुझे ऐसे लगता है कि नजफ ही बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब मैं घर में बिल्कुल चुप, कुछ ना कुछ इतना ज्यादा बोलता नहीं, घर में बिल्कुल चुप, पता नहीं ऑनेस्टली बात है। वैसे एक और बात, हम तीनों ने अपना सेपरेट चैनल बनाने का भी सोचा हुआ है, उसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा, मैंने एक बनाया हुआ, बल्कि चैनल को मस्ट 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 सब्सक्राइब कर देना, मैंने अपनी सिस्टर का चैनल भी लिंक किया था ना अपनी पिछली वीडियो पे, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया था, बट चलो फिर अंदर चले, अच्छा नहीं वो गाड़ी, एक सेकेंड यार बंदा बात कम्प्लीट कर देता है, बंदों को टिकटें मिल रही है दुबई की रिटर्न की, अच्छा ना, तो अभी तुम्हें नहीं दुबई की, 1 साल की फ्री कॉफी मिल रही है, कुछ चेक तो मिलेगा ना हमें, दुबई की टिकट तुम्हें नहीं मिलती, पहले जाने पे कहाँ लिखा हुआ फर्स्ट कम एंड गेट फ्री दुबई टिकट, बट इतनी कॉमन सेंस यूज करते वो, अच्छा, लकी ड्रॉ एंड ऑल ऑफ दैट, तो हो सकता है हम भी हो जाए उसमें, हम तीनों जैसे तैयार हो कहेंगे तो मैं नीचे ऑडियंस से पूछूंगा कि हम तीनों में से कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो अभी तो हम मैं और मामा नहीं सॉरी जो शक्ल ना दिखाएं फिर हम उसको जज नहीं कर सकते, यू नो ऑडियंस आप ये बताना आपको सबसे ज्यादा एंटरटेन कौन कर रहा है, ठीक है ना, मतलब साथ की शक्ल के बगैर, मतलब मैं और मामा उतर जाते हैं, इसको कैमरा पकड़ा देते हैं, ये 1 vs 2 कर लेते हैं ना, ठीक है, जिसने कमेंट्स में लिखे 2, ठीक है, अगर आपको लग रहा है ठीक है कि मैं एंटरटेन कर रहा हूं, ठीक है, और 1 लिखे अगर आपको लग रहा है कि ये लोग दोनों एंटरटेन कर रहे हैं। अच्छा लेट मी इन्फॉर्म यू दैट कि इन दोनों ने, एक दुल्हन ने और ये पीछे जो कजन है, अपनी शक्ल दिखाइए प्लीज, इन दोनों ने टिम हॉटसन ट्राई किया हुआ है, एक मैं ही बेचारा गरीब हूँ जिसने नहीं ट्राई किया, अभी कुछ सेकंड्स या मिनट्स बाद मैं भी ट्राई कर ही लूँगा, तो अब देखेंगे ये दोनों बैटर ज़्यादा बता सकते कि इसका टेस्ट सच्ची में बाकी कंट्रीज जैसा, या इन्होंने अंदर नेस्कैफे घोल के तो नहीं दे रहे, ऐसा ऐसा नहीं होने वाला ऑनेस्टली, नेस्कैफे 3 in 1, हाँ कोई पता ही नहीं, बट इट्स पाकिस्तान, बिकॉज जैसे यू नो KFC और मैकडोनल्ड्स का स्टैंडर्ड बिल्कुल घिर चुका है, सो वी नेवर नो कि कि अगर अंदर जाना तो आपको मेरी लाश से गुजर के जाना होगा, कौन सी वाली, इस वाली के, इस वाली।
इधर कुछ परेड हो रही है। वेलकम कैसे कर रहे जैसे किसी शादी में उसके बाद अच्छा वैसे यहाँ पे इनके पास सिर्फ डोनट्स और अभी तक कॉफी ही रिलीज हुई है। ब्रेकफास्ट किया ब्रेकफास्ट वाला जिसकी इन्होंने ठीक है पोस्टर्स लगाए सिर्फ डोनट्स कुकीज और कॉफी नहीं है। यहाँ पे हमने काफ़ी कुछ ऑर्डर किया था बट हमें उन्होंने हमारा प्रॉपर ऑर्डर नहीं डिलीवर किया था तो बट हमने जैसे कंप्लेन की तो उन्होंने हमें साथ कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट के साथ हमारा ऑर्डर कंप्लीट कर दिया था विच वॉज एक्चुअली वेरी स्वीट ऑफ देम। अच्छा तो गाइज अब हम टिम हॉर्टन से आ चुके हैं वापस जा रहे हैं हम घर। सो एक्चुअली ऑर्डर स्पेनिश लाटे मैंने इनका चॉकलेट क्रॉसेंट ऑर्डर किया था इमामा स्पेनिश लाटे मैंने ऑर्डर की थी। स्पेनिश फर्स्ट ऑफ ऑल कॉफ़ी की बात कर लेते हैं ऐसा मत करो। कॉफी अच्छी थी इट वॉज नॉट बैड बट इट वॉज नॉट लाइक समथिंग वेरी स्पेशल क्योंकि मैंने इस तरह की आई थिंक मैंने टेस्ट पहले की हुई है मतलब आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट बिट मोर। यार कॉफी तो कॉफी होती है तो वैसे ही टेस्ट मैं बुरा कप का है मैं कह रहा हूँ अच्छी है बट इट वॉज नॉट दैट स्पेशल। ग्लोरिया जींस प्राइस बहुत अच्छी थी इनकी। अच्छा ग्लोरिया की प्राइस टिम हॉर्टन से ज्यादा महंगी। मैं प्राइजेस अच्छी थी आई विल से दैट कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइजेस थोड़ी ज्यादा होंगी बट प्राइजेस काफी रीजनेबल थी। लाइक इनके वो टिम्बिट्स थे फ्लेवर्स थे वो 90 रुपीज ईच थे। मैंने उनके तीन फ्लेवर्स ट्राई किए थे ऐसा मत करो बट स्टिल आई वाज एक्सपेक्टिंग थोड़ी सी ज्यादा प्राइस होगी जितनी इतनी हाइप थी एंड एवरीथिंग तो बट प्राइस इज रीजनेबल थी इट वाज 650 लॉन्च नहीं किया हुआ था। अच्छा मामा यार एक बात कम नहीं चाहिए रखो अपना सर्टिफिकेट। अच्छा कॉफी सारे मेरे इंस्टाग्राम अब तो कोई भी ना खरीदे तीसरी दफा आ रही है ना मैं तो इस व्लॉग में आई इसलिए हूं प्लीज गाइस कॉफी की प्राइस 650 रुपीस थी ठीक है और रेगुलर साइज की कॉफी की 650 ऑलमोस्ट तक 650 थी विच वाज प्रीटी रीजनेबल क्योंकि जहां तक मैंने बाकी के ब्लॉग्स देखे तो डॉलर्स की प्राइस देखी थी तो मैंने कहा कि शायद कोई इतनी 1250 की कॉफी होगी समथिंग लाइक दिस बट एक्चुअली रीजनेबल थी। और इसमें प्रीमा का दूध यूज हो रहा था तो मैंने देखा था वहां पे प्रीमा का हां प्रीमा का मिल्क यूज हो रहा था। कॉफी वाज नॉट बैड बट इट वाज नॉट दैट स्पेशल एज वेल मतलब कि मैंने ऐसी कभी कॉफी पहले ट्राई की नहीं बट ओवरऑल इट वाज अ गुड कॉफी ठीक है। एक बार मैंने क्रोसन भी खाया था विच वॉज वेरी गुड चॉकलेट क्रोसन था वो सेंटर फिल्ड था विद चॉकलेट विच वॉज वेरी गुड 450 रुपीज का था प्रीटी रीजनेबल। अच्छा मैंने फोन स्विच कर लिया पीछे क्योंकि पीछे इमामा के फोन की तो स्टोरेज ही फुल होगी पता नहीं 256 GB का इनका फोन है स्टोरेज वाला और पता नहीं इन्होंने ऐसे क्या क्या रखा हुआ है कि स्टोरेज इनकी फुल हो रही है बट अब मैं दुल्हन का फोन पकड़ा हुआ है मैंने और इनका माशाल्लाह से आईफोन 14 है प्रो मैक्स। ओके प्रो मैक्स हम जैसे जाहिलों को क्या बता प्रो मैक्स से दूसरे तो आईफोन 14 प्रो मैक्स है इनका ठीक है ठीक है। इसके बाद उनके टिम्बिट्स जो थे ठीक है उसके मैंने तीन फ्लेवर ट्राई किए थे उसमें से एक डबल चॉकलेट वाला अच्छा था 90 रुपीज ईच था बट बाकी दोनों इतने अच्छे नहीं थे बट 90 रुपीज ईच था सो व्हाट मोर यू नो आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम इट 90 रुपीज से वो भी एक टिम हॉर्टन से बट ओवरऑल बस ठीक थे वो बोले ठीक है। और मैंने उसके बाद एक डोनट भी ऑर्डर किया था चॉकलेट सेंटर फिर मैंने खा नहीं सका इतना मैं ठीक है तो ये मैं घर लेके जा रहा हूँ ठीक है बट मैंने इनकी इन्होंने भी डोनट खाए थे तो मैंने टेस्ट किया था डोनट ठीक थे इट वाज नॉट दैट स्पेशल ठीक है। और ब्लूबेरी मफिन थे वो बहुत अच्छा था ब्लूबेरी मफिन काफ़ी अच्छा था। क्या प्राइस इसकी मुझे याद नहीं थी बट इट वॉज वेरी गुड फ्रेश था। और एक्चुअली हमारा जब ऑर्डर आया था तो उन्होंने हमें ऑर्डर प्रॉपरली दिया ही नहीं था मतलब आया ही नहीं था प्रॉपरली ऑर्डर तो हमने जब स्टाफ को बोला कि हमारा ऑर्डर ही कम्प्लीट तो फिर उन्होंने जो चीज़ें थी वो दो चीज़ें मिसिंग थी ना तो मेरा तो क्रोसेंट भी नहीं आया था खैर इनकी भी दो चीज़ें नहीं आई थी इन दोनों को डबल्स मिले और मुझे सिंगल ही मिला
बट इट वॉज ओके, लक लक की बात है. बट इन दोनों को डबल डबल्स मिले उनकी तरफ से, कि मतलब उन्होंने पहले कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट था. हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट था कि इनको डबल डबल्स मिल गए, ठीक है, और डबल डबल खा भी गए. ब्लूबेरी मफिन बहुत यम्मी था, ठीक है, पेट भरने के बाद मैंने जबरदस्ती खाया और इन लोगों को भी दिया, ठीक है, टेस्ट किया, इन लोगों ने भी, ठीक है, जबरदस्ती खाया, ठीक है, और ये लोग तो मेरे हाथों से छीने बैठ गए थे, इतना मजा. ये ज्यादा ज्यादा तारीफ करते करते कहीं गाड़ी नहीं ठोक रही, ठीक है. अच्छा, ब्लूबेरी मफिन मेरी फेवरेट चीज थी, ठीक है, जितना भी हमने कुछ खाया. ओवरऑल बात करें तो मुझे ऑडी के डोनट्स में ज्यादा प्रेफर करूंगा इंस्टेड ऑफ दीज. प्राइजेस आई थिंक सिमिलर ही हैं काफी हद तक, बट बुरा भी नहीं था डोनट, के मैं कहूंगा बुरा था. यू शुड नॉट ईट इट, यू शुड ट्राई इट, ठीक है. फ्लेवर्स थे वो बड़े आम फ्लेवर्स हम लोगों ने ऑर्डर किए थे, अगर तुम लोग व्हाइट चॉकलेट बॉस्टन ऑर्डर करते हैं, जो बंदे को फ्लेवर पसंद हो तो बंदा खा सके. ऑरेंज अजीब सा टेस्ट है, मैं तो नहीं खा सकता ऑरेंज किसी डोनट में. कैन यू मामा? नहीं, ऑरेंज यार एक्चुअली ना, ये ऑरेंज जो सेंटर फिल चीज होती है उसमें वो ना एक ऑरेंज का जो पील वाला होता है ना टेस्ट, ऑरेंज ग्लेज था, बॉस्टन क्रीम की तरह होता है. अच्छा ठीक है, आपने खा लेना था ना, तो फिर आपकी बोल रहे आपने भी खाया तो पहले खाया था, दुबई में भी खाया. अभी छड्डू आ गए थे, ओवरऑल आई विल गिव टिम हॉटसन 7 out of 10, ठीक है. एक तो सर्विस इनकी थोड़ी स्लो थी, बट ऑब्वियसली वी कैन अंडरस्टैंड, अभी अभी ओपन हुआ यू नो, तो बट ये कॉम्प्लीमेंट्री जो गिफ्ट थी विच वॉज वेरी नाइस ऑफ देम, ठीक है, कि उन्होंने ब्रेकफास्ट करने के उनके रैप्स होंगे एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है. हाँ तो बट वो थे ही नहीं, दे हैव जस्ट हैव डोनट्स और कॉफीज, दैट्स इट, ठीक है, और ये ब्लूबेरी मफिन्स वगैरह थे. हाँ, तुम दोनों बताओ, तुम दोनों की क्या रिव्यू होंगे? 8 out of 10, ठीक है, क्योंकि मैंने ब्लूबेरी मफिन ऑर्डर किया था, मुझे वो अच्छा लगा, ठीक है, स्पेनिश लाटे भी, ठीक है, सही थी और रीजनेबल थी प्राइसेस भी, 6 out of 10, और कॉम्प्लीमेंट्री उन्होंने खाना भी दे दिया था, ठीक है, जो उन्होंने अपनी गलती एक तरह की मानी है, ठीक है, तो दैट्स वेरी गुड, ठीक है. उसके अलावा वो सॉरी बार बार बोल रहे थे, ठीक है, एक अंग्रेज रखा हुआ उन्होंने, एक पाकिस्तानी रखे हुए जो कि बार बार सॉरी बोल रहे थे, तो दैट वाज वेरी गुड, ठीक है. नहीं तो यहाँ पे रेस्टोरेंट वालों की आदत है, ठीक है, आपको एक तो आंखें दिखाते हैं और बताते हैं जी हमारी गलती नहीं है. अच्छा इमामा, योर रेटिंग? इमाम इसलिए थोड़ा डिसअपॉइंट है कि उसको ब्रेकफास्ट की माइंड से गई थी वो, और इतना वेट किया बट ब्रेकफास्ट वहाँ पे था ही नहीं. अच्छा, हम तीनों की रेटिंग डिफरेंट है, 6, 7, 8. सबसे ज्यादा रेटिंग दुल्हन की है, तो क्योंकि मेरा खाना ऑर्डर चॉइस चीज थी ना, ठीक है, तुम लोगों की ऑर्डर चॉइस की, क्योंकि मेरी ऑर्डर चॉइस गंदी थी. टिम्बिट्स ऑर्डर किए थे, ठीक है, दे वर यूजलेस, ठीक है, उनकी शक्ल ही नहीं अच्छी थी यार. 90 रुपीस में यू कैन, आई नेवर हैड टिम्बिट्स, आई ऑर्डर बोस्टन क्रीम डोनट व्हिच वाज ऑफर, आई वोंट रिकमेंड इट एट ऑल. द सेम रेटिंग आई गिव वाज फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी एंड देयर कॉफी. चलो हो गए मामा, चलो साइड पे हो जाओ. डोनट वाज फाइन, बोस्टन क्रीम डोनट ऐसे ही, मैंने बताया ना डोनट्स ठीक थे, बस इतने बुरे भी नहीं थे, इतने अच्छे भी नहीं थे. वो हमें ऑडी के डोनट्स की आदत हुई है, जलालसंस के डोनट्स, और ठीक है ये बाकी ये जो है ना डंकिन डोनट्स, इनसे कंपेयर करें तो जलालसंस और डंकिन डोनट्स की तो इतने बकवास है ना. तो गाइस अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, प्लीज आप लोग नीचे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और डोंट वरी मैं स्किन केयर वीडियोस बनाना नहीं छोड़ा, तो स्किन केयर वीडियोस भी बहुत 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 जल्द आ रही है. थैंक यू एवरीवन सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग. इनका भी चैनल, इनका भी इंस्टाग्राम पे इनको फॉलो कर दीजिएगा, और दुल्हन नेक्स्ट 2-3 व्लॉग्स में हमें पता नहीं शक्ल दिखाएंगी नहीं दिखाएंगी. सो इनका भी मैं कुछ हैंडल नहीं बता सकता, यू नो दुल्हन ये तो फिर कोई ना हो ना, जब शक्ल दिखाएंगे तो हम इंस्टाग्राम हैंडल भी बता देंगे, ठीक है. मेरे यहाँ पे सब्सक्राइबर्स बहुत लॉयल है, वो करते हैं सब्सक्राइब, ठीक है, जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको इस बात का पता है, आई हैव अर्नड माय सब्सक्राइबर्स, ठीक है. एनी हाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे. होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, मे बी अपने दूसरे चैनल पे, इस चैनल पे वी डोंट नो, सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दैट चैनल एज वेल. थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय. वो कि नहीं हुआ.